हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको कापेवा ब्रांड के मेंस वेगन प्रोटीन पाउडर के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये प्रोटीन पाउडर आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोजेस सबके बारे में। तो गाइस ये जो प्रोटीन पाउडर है वो खास तौर के लिए मेंस के लिए मैन्युफैक्चर किया गया है। ये प्रोटीन पाउडर गाइस आपके शरीर के स्टेमिना को बढ़ाता है, मसल्स को इंक्रीज करने में मदद करेगा। बॉडी बिल्डिंग में इसका बहुत अच्छे से काम किया जाता है और आपके मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने का काम करता है। मांसपेशियों द्वारा बेहतर प्रोटीन अवशोषण का समर्थन करता है। इसके साथ साथ ही मांसपेशियों को टोन रखने में मदद करता है, समग्र विकास को बढ़ावा देता है और आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करने में मदद करेगा और आपके शरीर के ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाने में मदद करेगा। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि आपके शरीर को हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है। ये गाइस एक प्रोटीन पाउडर है तो इसमें काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपके मसल्स को इंक्रीज करने में मदद करते हैं और शरीर को हेल्थी बनाए रखने का काम करते हैं। इसके अंदर गाइस काफी सारी जड़ी बूटियां हैं जैसे कि अश्वगंधा और गोक्षरा है, जो कि गाइस आपकी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ावा देती है, शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करती है। प्रोटीन में है मटर प्रोटीन, चावल प्रोटीन, फेवाबीन प्रोटीन, किनोवा पाउडर और भी काफी सारे इंग्रेडिएंट है गाइस जो कि आपके मांसपेशियों को टोन करने में मदद करेंगे। डोज की बात करें तो गाइस आपको ये जो प्रोटीन पाउडर है वो आपके दूध के अंदर मिक्स करके आपको इसका सेवन करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट लग रहा है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेस लें। दोस्तों यदि आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या फिर आप अन्य प्रकार के प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड के काफी सारे प्रोटीन पाउडर मिलेंगे जो कि आपके वर्कआउट के बाद बहुत अच्छे से काम में लाए जाते हैं और आपके स्वास्थ्य को भी हेल्थी बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप उनमें से किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं तो इस प्रोटीन पाउडर को इस्तेमाल में लेने से पहले आपको गाइस डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। डॉक्टर से कंसल्ट के बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना, ना ही ओवर डोजेस लेना है। डेली की फिटनेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, बनाना फ्लेवर में ये मेंशन किया हुआ है। प्राइस की बात करें तो इसका 850 ग्राम की पैकेजिंग आपको 1888 रुपए में मिलेगी। कोई फिक्स प्राइस नहीं है गाइस, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखिएगा इस कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। बेस्ट है गाइस अपने शरीर के लिए, शरीर को हेल्थी बनाए रखने के लिए, डेली की फिटनेस के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, जड़ी बूटियां भी इसके अंदर मिक्स हैं, तो एक बार आप इसे इस्तेमाल में लेके जरूर देखें। और गाइस ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन भी दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।